2 मई 2023 को अठावल समाज कार्य महाविद्यालय के अपराध शास्त्र एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग के छात्रों का फील्ड वर्क सीमावर्ती अभ्यास अध्ययन फैमिली कोर्ट भंडारा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य उपस्थिति में रेखा कटरे मैरिज काउंसलर फैमिली कोर्ट भंडारा, साइना रिजवी प्रबंधक, डीएस साकोरे सहायक अधीक्षक, आरएस गभने लघु लेखक एवं अपराध शास्त्र एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर भगत उपस्थित थे। कार्यक्रम में मैरिज काउंसलर रेखा कटरे ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कुटुंब न्यायालय में वर्ष 2022-23 MSW चौथा सेशन ग्रुप है। उन्होंने फैमिली कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ली और सभी छात्रों की सराहना की और भविष्य के लिए कामना की। साथ ही अपराध शास्त्र एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर भगत ने कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रसाद पाल शिंगणकर को समवर्ती अभ्यास अध्ययन के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और सभी कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कुटुंबिक हिंसा को रोकने के लिए जन जागृति पर स्लोगन और पोस्टर विद्यार्थियों ने कुटुंब न्यायालय को भेंट दिए। कार्यक्रम का संचालन भूषण गौरी ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन निकिता फूलबांधी ने किया। इस अवसर पर कुमारी हर्षिला बड़ोले और प्रीति निर्वाण ने अपने विचार व्यक्त किए। मनीषा लांजेवा, प्रीति दोनोडे, शुभांगी नेवारे, हर्षा गोबाड़े, लक्ष्मी फुंडे इनके सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। जिन्होंने बहुत ही शीघ्र उनको परमिशन दिलाया, हाईकोर्ट से परमिशन दिलाया। आदरणीय रिजवी मैडम का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी रहा बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के हिसाबों से दे रहे मैडम जी ने, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कन्या मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैडम का सहयोग मेरे साथ रहा ही है। हिसाबों से मेरे विद्यार्थियों के लिए भी मैडम का सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला और आने वाले भविष्य में भी आप लोगों का मार्गदर्शन मैडम से मिलेगा। साथ ही ये सहायक अधीक्षक श्री साकोरे साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और लघु साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विद्यार्थियों की ओर से और महाविद्यालय की ओर से मैं एक दूसरे आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से आभार मैं अलग से व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये नेक कमेटी थी 25-26 को, उसमें उन्होंने विशेष रूप से सर को बीजू गवर सर को आदमी सर जज साहब को आमंत्रित किया था, कोर्ट मैनेजर कल्पले साहब को आमंत्रित किया था, कल्पले मैडम को आमंत्रित किया था। आप सभी आए, उससे उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ तो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिली हमको लगता है कॉलेज को। और हमारा महाविद्यालय ए ग्रेड आया मैडम का एक अच्छा ये रहा हमारे कॉलेज के लिए, यानी जहाँ से हम लोग जिस ऊर्जा के साथ आए थे पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। जहाँ से हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें मिलती है वो ऊर्जा और बढ़ती जाती है, नेगेटिविटी जाएगी तो डाउन होता है तो इसमें प्लस होता जाता है। तो ये यहाँ से हम लोग और ऊर्जा लेके जा रहे हैं और आप लोगों को भी मैं उज्ज्वल भविष्य की आर्थिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने विचार आपले सर जे असतात जे आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून म्हणतात जसे भगत सर तुम्हाला मिळाले, खरंच म्हणेल की भगत सरांमुळे पण तुम्हाला हे आलं तुमच्यामध्ये की आपण काही करू शकतो, आपला गाईड जर चांगला असेल ना आपण खूप काही करू शकतो। कारण आम्ही म्हणायचं ना गुरुविना ज्ञान नाही, आपले गुरु आपले मार्गदर्शन, गुरु एकच असतो असं नाही, आपल्याला प्रत्येक स्टेजमध्ये वेगवेगळे गुरु मिळतात आणि आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखं असतं। आज भगत सरांमुळे मला वाटते की दुसरी बॅच आहे की जी कौटुंबिक न्यायालयामध्ये त्यांनी प्लेसमेंट दिलं आणि सर मी खरंच सांगतो तुमचं पण आभार, कारण की कौटुंबिक न्यायालयामध्ये प्लेसमेंट मिळत नाही सहजासहजी की हायकोर्टातून परमिशन घ्यावी लागते। मला वाटतं मॅडमनी पण हायकोर्टातून म्हणजे पत्र वगैरे पाठवलं आणि परमिशन घेतली, कारण इथे ना सर गोपनीयता पाळली जाते क्लायंट। NBCN न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधलोरे की रिपोर्ट।